हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब स्ट्रिंग मेथड, सेट कैरेट मेथड एंड वन मोर मेथड, दैट इज सेट लेंथ मेथड। राइट, ये सारे मेथड जो है ना स्ट्रिंग बफर क्लास का है। और भी मेथड्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अगर जहाँ आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो एक बार, ठीक है ना। 1 से लेके 7 तक जो मेथड्स है हम कवर कर चुके हैं स्ट्रिंग बफर क्लास का। राइट, आज हम 8, 9, 10 3 मेथड्स इस वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। चलिए बात करते हैं सब स्ट्रिंग मेथड के बारे में। देखो, सब स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है, जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग है हमारे पास, उसके एक पार्ट को रिटर्न करता है। इंडेक्स नंबर बताओगे उतने कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद से वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखो, यहाँ पे सब स्ट्रिंग मैथड रिटर्न्स अ सब स्ट्रिंग ऑफ दी ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन अ बिगिनिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। क्लियर पॉइंट? देन एंड देन यहाँ पे देखो, इसका बेसिकली दो मेथड्स हैं। सब स्ट्रिंग आपको स्टार्ट इंडेक्स बताना है, देन आपका दूसरा मेथड है स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स बताना है, बीच के कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बफर के अंदर, जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा स्ट्रिंग है उसके बीच के कैरेक्टर्स को रिटर्न कर देगा। बिटवीन जो आप इंडेक्स नंबर दोगे, स्टार्टिंग एंडिंग, ठीक है, बीच के कैरेक्टर्स को रिटर्न कर देगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया है str21.java, तो आप कुछ भी बना सकते हो फाइल का नेम। मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास का नेम दे दिया हमने स्ट्रिंग बफर। आप स्ट्रिंग बफर के जगह आप कुछ और ले सकते हो क्लास का नेम, ठीक है। चलिए, क्लास का नेम भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं जो मैं ले रहा हूँ आपको वही लेना, ऐसा कुछ नहीं, कंपलसरी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, न्यू देन स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया दीपक गुप्ता, ठीक है। एंड देन मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे लिखना है आपको sb.sub_string, एंड देन हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर बता दिया starting 4। तो आपको पता है कि 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होता है, जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्ट्रिंग है आपका, जो डी है वो 0 नंबर पोजीशन पे है, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब यहां से जो स्ट्रिंग है आपका इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, क्लियर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा। चलिए हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलर ओपन कर लेता हूं मैं, cmd, मेरा जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे, तो cd डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, देन cd जावा, ठीक है, जावा str21.java फाइल का नेम है मेरा, कंपाइल्स फाइन, देन क्लास का नेम है मेरा माई स्ट्रिंग बफर, ठीक है। चलिए अब देखो आउटपुट, देखो एक्सपेक्टेड आ रहा है, ए के गुप्ता, क्लियर है पॉइंट, डन। तो ये है आपका स्ट्रिंग, बेसिकली जो सब स्ट्रिंग मेथड का काम। देन एग्जाम्पल नंबर टू देखो, एग्जाम्पल नंबर टू, ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंडेक्स नंबर between 4 से लेके 7। तो आपका जो 4 से लेके, यहाँ से लेके ये जो स्पेस है वो भी कैरेक्टर है, याद रखना, तो ये 3 कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखो 4 ये हो गया ए आपका, के 5, 6 लेंथ -1 रिटर्न करेगा, ठीक है ना, लेंथ -1 हो जाएगा तो आपका ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ, तो ए के और स्पेस भी, ठीक है, तो आपका आपका आना चाहिए स्पेस भी। चलिए एक बार चेक करते हैं हम लोग क्या आता है हमारा, कंपाइल करके देख लेते हैं। देखो कंपाइल्स फाइन, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा स्पेस आया या नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ स्पेस अभी हटा देता हूँ, तो अब आ जाएगा आपका AKG, ठीक है, क्लियर है, 6 नंबर तक, यहाँ तक लेंथ -1 होता है, तो AKG आपका आउटपुट आना चाहिए। चलिए देखते हैं भाई, कंपाइल्स फाइन एंड देन रन, देखो AKG, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है सब स्ट्रिंग मेथड का क्या काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेट कैरेट मेथड। अब सेट कैरेट मेथड का काम क्या होता है, जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग है आप उनमें से कोई भी सिंगल कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो, ठीक है, कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस मेथड इज यूज टू एड या इंसर्ट द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका सिंटेक्स होता है पब्लिक वॉइड सेट कैरेट, इंडेक्स नंबर बताना और कैरेक्टर बताना है कि जो रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। चलिए
अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो इसका रिटर्न टाइप वर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एसपी डॉट सेट कैर एट मेथड, और मैं जीत देता हूँ यहाँ पे जीरो नंबर इंडेक्स पे ना, मैं स्मॉल डी को कैपिटल डी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ एस बी को, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए डी कैपिटल में, डी डब्ल्यू पी ए के गुप्ता, ये आउटपुट आना चाहिए। जी स्मॉल कर दो क्योंकि जी तो हमने नहीं किया, चलो ये हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, चलिए देखते हैं, कंपाइल्स फाइन, देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, क्लियर है। और इसमें स्पेस नहीं है इसलिए स्पेस भी नहीं आया, तो आप यहाँ पे भी स्पेस मत दो, ठीक है। यहाँ स्पेस दोगे तो यहाँ स्पेस आएगा, तो आपका ये आउटपुट आया, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर को आप चेंज कर सकते हो सेट कैर एट मेथड को यूज करके, ठीक है, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड आपका यहाँ पे सेट लेंथ मेथड, ये क्या करता है बेसिकली, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग पास करते हैं हम लोग ना, स्ट्रिंग के बेसिकली आपको एक पार्ट को रिटर्न कर देगा। अब ये पार्ट को जैसे आप फोर लिखोगे तो स्टार्ट करेगा इंडेक्स जीरो से वो, और फोर तक आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, फोर मतलब लेंथ माइनस वन, तो चलिए अगर जहां मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पहले इसको डेफिनेशन देख लो, दिस मेथड इज यूज टू सेट या चेंज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, पब्लिक वॉइड सेट लेंथ इंट, और न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, है ना। चलिए इंटीजर टाइप का, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे फोर लिखा मैंने एंड देन इसको हटा दिया, और आपका यहाँ पे लिखोगे सेट लेंथ मेथड, ठीक है। अब ये करेगा क्या, देखो आपका स्टार्ट करेगा जीरो से, जीरो वन टू थ्री, फोर तक नहीं जाएगा, लेंथ माइनस वन, तो आपका डी डबल ई पे तो स्टार्टिंग से रिटर्न करेगा सेट लेंथ मेथड, याद रखना, तो डी डबल ई पी ये आना चाहिए आपके पास आउटपुट, ठीक है ना। चलिए एक बार कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल्स फाइन एंड देन रन कर लेते हैं इसको, क्लास करें ये दे। तो देखो डी डबल ई पी डीप आ रहा है, क्लियर एंड पॉइंट, तो स्टार्टिंग करेगा जीरो से आपका लेंथ माइनस वन तक, मतलब आपका स्टार्टिंग से आपके स्ट्रिंग के एक पार्ट को रिटर्न करेगा जो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर है, क्लियर एंड पॉइंट, क्लियर। चलिए स्टार्टिंग जीरो से करेगा और थ्री तक प्रिंट करेगा क्योंकि लेंथ माइनस वन होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ क्लियर है। तो इसको आप क्या करो, नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट ना। अगर जहाँ आप जावा की प्रोफाइल पे गए इंटरव्यू देने जाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये सारे मेथड्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है। एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।